आई थिंक स्पेशली इन अ डिवेलपिंग कंट्री टू टू क्रिएट वेल्थ क्योंकि आप अगर एज अ सिटीजन अगर आप वेल्थ क्रिएट करोगे आप दस लोगों को नौकरी दे सकते हो यू इट दैट ट्रिपल डाउन इफेक्ट विल बी देर अगर आप भिक्षा पे ही आप करने लगोगे कि हाँ देट इज़ द राइट थिंग टू डू इज़ नॉट टू बी वेल्दी यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी इन एनी मैन आई मीन दैट माई व्यू बट एनी वे आई जस वॉन्टेड टू ऑल्सो आस्क यू सर जो आप Uh, जब ये बात कर रहे थे यूनिवर्सल एजुकेशन वगैरह की दिस लिटिल बिट ऑफ अ क्रिटिसिज्म दैट कम्स इन जैसे कर्नाटका ने कहा कि हम अपना ही एजुकेशन पॉलिसी uh, निकालेंगे सिद्धरा मैया जी ने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है ये uh, हमारे कंट्री में लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है आपने यूनिटी की बात जब की कि आप जल नीर तोये वारी हर जगह अलग अलग तरीके से पानी को ही Uh, कहा जाता है लेकिन uh, उनका कहना है और तमिलनाडु का भी कहना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है जो सेंटर थोप रही है स्टेट्स uh, पर और हम अपना ही करेंगे तमिलनाडु तो हैज़ इवन गॉन टू कोर्ट ओवर दिस तो uh, आप कैसे रीएश्योर कर सकते हैं टू इंडियंस अराउंड एवरीवेयर इन ऑल ओवर द कंट्री दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी थ्रस्टिंग वन एजुकेशन मॉडल आपने दो राज्यों के नाम लिया मैं दोनों की अनुभव कहता हूँ और जो बात कह रहे हैं वो शायद एक राजनीतिक भाषा में वो कह रहे हैं वास्तविकता ऐसे नीचे नहीं है अब तक ये एक धारणा था कि हम रीजनल लैंग्वेज कहते थे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा हमारे देश में कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर नेशनल लैंग्वेज बीट तमिल बीट कन्नड़ बीट उड़िया बीट बंगाली बीट पंजाबी बीट गुजराती बीट मराठी बीट हिंदी ऑल आर नेशनल लैंग्वेज उन्होंने काशी में तमिल संगमम आयोजन करवाया तमिल कल्चरल लिंक और काशी की री इन्वेंट किया भाषा की कभी हमने किसी को हमारी सरकार की पॉलिसी है और एन ई पी उसको ही कह रहा है ऑल लैंग्वेज आर इक्वल उसी को अगर आगे हम एक स्टेप कहे क्या सिद्धरमैया जी मोदी जी कहते हैं कन्नड़ भाषा उतना ही महत्वपूर्ण है और कन्नड़ भाषा में ही प्रारंभिक दिनों में पढ़ाया जाए सिद्धारामाय जी उसी को आपत्ति कर रहे हैं अगर मोदी जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा में ही पढ़ाना चाहिए एन उसी को उसी का नाम है एन तो कर्नाटक की जो स्टोरी है मोरल्स है वो कर्नाटक की होगी ये एन ने कहा है क्या सिद्धरामाया जी किसी को खुश करने के लिए श्री मोदी विद्वेष में उसी को अपोज कर रहे हैं क्या अगर हम कहते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे बेंगलुरु है क्या बेंगलुरु भारत की इंटरनेशनलाइजेशन की एक एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी है भारत की आईटी कैपेसिटी बेंगलुरु में ही बनी है बेंगलुरु से ही बनी है क्या एन उसको और एक्सपोनशियल ग्रोथ की बात कह रही है क्या सिद्धारामाय जी बेंगलुरु को खत्म करना चाहते हैं hmm. तो

हम ऐसी चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में देश को बड़ा करना है विश्व के साथ जाना है तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है इसीलिए यूनिफॉर्मिटी की बात कहते हैं लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज करना लैंग्वेज की वेरिएशन रखना ये सारे कहते हुए हमने नीट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ऑल इंडिया पैटर्न की एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भाषा अलग अलग हो सकती है तमिलनाडु की पॉलिटिकल लीडरशिप विशेष करके डीएमके के मित्रों की एक लंबे समय की अपेक्षा रहती थी और मांग रहती थी कि भाई हमारी राज्यों की बच्चों की कॉम्पिटेंसी लेवल सीबीएसई जैसा नहीं है यह तो गलत बात है इस बार नीट की जो एग्जामिनेशन आए टॉपर है, है तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की विद्यार्थी नीट एग्जामिनेशन देखे तो इनकी आपत्ति वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है इनकी आदत, आदत पॉलिटिकल मोटिवेशन से इनकी आपत्ति सिर्फ मोदी विद्वेष करना एंटी मोदीजिम पे यह भारत की भविष्य को गुमराह करने का एक नाकाम कोशिश है ये कोई काम करने वाला है नहीं समाज उसको स्वीकारने की स्थिति में नहीं है समाज नई ऊंचाई की ओर जाने की तैयारी कर चुका है